अगर आपके आलू के पराठे भी परफेक्ट नहीं बनते हैं, फट जाते हैं, स्टफिंग सही से फिल नहीं होती है, तो आज हम बनाएंगे आलू के पराठे, वो भी बिना आटा गूंदे, बिना बेले, बिना फटे और जितना मन चाहे ना उतनी स्टफिंग फिल करके। यकीन नहीं हो रहा ना कि ऐसे पराठे बन सकते, तो आज हम डेफिनेटली उसी तरह से पराठे बनाएंगे जिसे कोई भी अब हेल्दी टेस्टी पराठे बना सकता है। तो यहाँ पर इसके लिए हमने आलू लिए हैं, तो 1 किलो से थोड़े कम आलूओं को जो है ना कुकर में 2 सीटी लगा के बॉईल कर लिया है। या एक मसाला तैयार करेंगे, 2 साबुत मिर्च, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच जीरा, और ये थोड़े से हम डालेंगे भुने हुए चने, और इन सबको जो है ना हमें कूट लेना है। और साइड से जो आवाज़ आ रही है ना, यहाँ मकान में काम चल रहा है इसलिए, तो प्लीज़ इग्नोर इट। और यहाँ पर इनको ना दरदरा सा हमें कूट लेना है कुछ इस तरह का। तो देखिए ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो इस तरह से एक बहुत ही बढ़िया सा सिंपल मसाला तैयार हो गया है। इसको डाल देंगे हम ये बॉयल पोटैटोस में, और यहाँ पर इसमें डालेंगे नमक और कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो वैसे तो आलू के पराठे में ज़्यादा मसाले नहीं डालते, सिंपल मसाले ही होते हैं, पर आप चाहें तो ना इसमें कुछ अपनी मनपसंद के फ्लेवरफुल मसाले ऐड कर सकते हैं। एक बड़े प्याज को चॉप करके लिया है, आप चाहें तो इसी के साथ हरी मिर्च, अदरक, लहसुन को भी चॉप कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर पहले ही साबुत लाल मिर्च को कूट लिया था, और 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही में डाल देंगे हम ये अमचूर, तो 2 छोटे चम्मच अमचूर डाल रहे हैं। इससे काफ़ी अच्छा टेंगी चटपटा सा ना इसका टेस्ट आता है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप ना इसमें एक जो केरी है, कच्ची केरी को ग्रेट करके डाल सकते हैं, या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं। कलर के लिए हमने ऐड कर दिया है यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी, अगर आपको नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और साथ ही में थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसको क्रश करके डालेंगे। मेरे पास हरा धनिया नहीं है इसलिए कसूरी मेथी डाल रही हूँ। हमारे घर से ना मार्केट थोड़ा दूर है, तो हमें समय पे कोई सी चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो कोई सी भी चीज़ को लेने के लिए हमें चला के जाना पड़ता है कि 5-7 किलोमीटर, तो मार्केट में दूर इतना दूर तो है, तो सब्जी लेने के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। तो अभी मैंने ऐसे ही इनको बना लिया है, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता धनिया वगैरह से, बस देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो मसाला तैयार करके रख दिया साइड में, और यहाँ पर लेंगे हम गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसमें आधा गेहूं का आटा और आधा बेसन ले सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पर हमने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी क्रश करके, थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है और हल्दी हेल्दी भी होती है। यहाँ पर थोड़ा सा साबुत जीरा क्रश करके डालेंगे, आप चाहें तो अजवाइन डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और अब इन सबको जो है ना मिक्स करेंगे। आटे को गूंदना नहीं है, जस्ट इसका ना घोल बना के तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको हम इस तरह से मिलाते जाएंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डाले, नहीं तो ये ना थिक हो जाए, थोड़ा सा ना लूज़ हो जाएगा। हमें एक थिक बैटर तैयार करना है, तो देखिए इस तरह का कुछ हमें थिक सा एक बैटर तैयार कर लेना है। अब इसको जो ना हम साइड में रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, जब तक ये सेट हो जाएगा, उसके बाद हम बनाते हैं इससे पराठे। पराठे बनाने के लिए गैस को चालू करेंगे और तवा रखेंगे, तवे में थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर आज ना मैं सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल। इसको पहले से ना बहुत अच्छे से गरम करके और फिर रखा है मैंने पराठे बनाने के लिए, तो इसको कच्चा नहीं यूज़ करना, ये तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बैटर डाला और एक पतली सी रोटी जैसा ना फैला लिया है, और अब इसमें रखेंगे ये मसाला। तो इस तरह से हम, आप जितना मसाला चाहे ना स्टफिंग उतनी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ना एक पतली सी लेयर कर रही हूँ, इस तरह से थोड़ा सा हम दबा देंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे
फिर से हमारा ये गेहूं के आटे वाला बैटर। तो देखिए इस तरह से एक पतली सी हमें लेयर बनानी, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने, और आपके ना ऐसे फूले फूले से पराठे जो है ना तैयार होंगी। ये सबसे फर्स्ट वाला पराठा है, तो फर्स्ट वाला पराठा थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाता है किसी का भी। तो बस इसमें भी हम ऑयल डालते हुए और इसको सेक लेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो घी, बटर, ऑयल किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आलू के ना बहुत ही बढ़िया से हेल्दी से पराठे बन करके तैयार हो जाते हैं। यकीन मानिए बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आता है। और आप चाहें ना तो शाम को ही मसाला बना के रख लीजिए, और आप चाहें तो घोल भी बना सकते हैं, और सुबह से जल्दी से नाश्ते में या फिर टिफिन में, लंच में इनको रख सकते हैं। तो देखिए ये तैयार हो गए। ये थोड़ा सा ना साइड से ऐसा लग रहा है कि मसाला निकल रहा है। चलिए मैं दूसरा भी आपको बना के बता देती हूँ। तो उसके लिए भी ना हम तवे में डालेंगे ये बैटर। और देखिए जैसे कि हम चीले बनाते हैं ना गेहूं के, या फिर गेहूं के आटे के या बेसन के, तो उसी तरह से हमें इसको बनाना है। और दूसरी बार में ना गैस को हम बंद कर देंगे, नहीं तो ये ना जल जाएगा। मसाला रखेंगे जिसे हमने पहले रखा था, एक पतली सी लेयर बनाएंगे। यकीन मानिए इतना सिंपल तरीका है ये पराठे बनाने का, बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे तो। अब कोई भी बढ़िया से पराठे बना सकता है। यहाँ मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, आप चाहें तो लोहे के तवे में या फ्राइंग पैन में भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए फिर से हम एक कोट लगा देंगे आटे का, और बस इसी तरह से हमें सारे ही पराठे जो है ना हमें तैयार कर लेना है। तो जो पहला वाला पराठा है ना, इनको बच्चों को सर्व कर देंगे, क्योंकि बच्चों को नहीं हो रहा है वेट। तो बस इसको हम कट करेंगे पिज़्ज़ा कटर या फिर नाइफ से आप इसको कट करें। और देखिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया से एकदम भरे हुए पराठे, देखिए एकदम जैसा लच्छा पराठा है ना, उस तरह के ये पराठे तैयार हो गए हैं। तो हम इसको सर्व कर रहे हैं ये मैंगो छुंदा के साथ। इसकी रेसिपी मैंने अभी इससे पहले ही आपके साथ शेयर करी है, और या फिर आपको लास्ट में आई बटन में भी इसको मिल जाएगा, या फिर एंड स्क्रीन पे भी इसका वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप टच करेंगे तो वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना हमने दूसरा पराठा भी बना लिया, और कितना बढ़िया बना है ये आप देख सकते हैं। तो इसके साथ मैंने ना ये बनाया है टमाटर का रायता, और यहाँ पर दही लिया है। इसमें थोड़ी सी हम नमक और काली मिर्च पाउडर डालेंगे, बारीक कटे हुए या फिर चॉप करे हुए टमाटर डाल देंगे। तो इन सबको मिक्स करेंगे, आप इनमें कोई सी भी सब्जी डाल सकते हैं, और ये आपका एक सिंपल सा रायता तैयार हो जाता है। मैं कभी भी रायते में तड़का नहीं लगाती हूँ, इसी तरह से रायते बनाती हूँ। एक रायते का जो मसाला है ना मैंने तैयार करके रखा है, याद नहीं आया उस समय डालते टाइम, जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर रही थी। तो बस इसको सर्व करते हैं छुंदा और टमाटर के रायते के साथ। बस आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। अगर ये पराठे बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और देखिए कितनी बढ़िया से एकदम परफेक्ट स्टफिंग वाले हमारे ये आलू के पराठे बन करके तैयार हो गए। किस किस के मुँह में पानी आ रहा है इनको देख के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे से तो नहीं रहा जा रहा था। चलिए मैं खा लेती हूँ, और आप वीडियो को लाइक करके जाइए, क्योंकि बहुत बढ़िया रेसिपी है। अगर आप प्याज के पराठे चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, कमेंट करें।